हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग दोपहर से खेलने जा रहे हैं GD5। तो गाइस यार, जैसा कि आप सभी ने लास्ट एपिसोड देखा था तो आपको याद होगा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने भाई ये खतरनाक सी गाड़ी बनवाई थी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये हम लोगों ने इसलिए बनवाया ना ताकि हम लोग अपने दुश्मनों से बच सके, और इसको बनवाने में ना गाइस बहुत ज़्यादा खर्चा बैठा है। लेकिन हम लोगों ने भाई क्या किया ना कि एक नकली सा बॉडी ला करके इसको बनाया है, तो भाई हमें ना उतना ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं पड़ा। तो चलो भैया ठीक है, ये हमें अपने दुश्मनों से बचाएगा और उसके साथ साथ भाई हमें अपने दुश्मनों को ना खत्म करने में मदद करेगा। और गाइस लास्ट टाइम ना फ्रैंकलिन ने भाई लेस्टर को मारने के लिए एक प्लान बनाया था, मतलब हमें पता चला था। तो हम लोगों ने भाई कंफर्म करने के लिए क्या किया ना, सीधा एक नकली बंदे को खरीदा, बहुत पैसे की लालच दिया, और भाई उसको ना लेस्टर का फेस मास्क, पूरा जैकेट वैकेट, पूरा लेस्टर बना करके भेज दिया पब्लिक में। और भाई सच में ना एक गैंगस्टर आया जो कि बहुत प्रोफेशनल बंदा था, और वो आ करके उसको किल कर गया। और अभी ना भाई वो जो बंदा मरा ना भाई, उसका बदला तो मेरे को लेना पड़ेगा भाई। देखो क्योंकि यार देखो, फ्रैंकलिन ने भाई उस बंदे को जितना पैसा दिया था ना भाई, और लेस्टर को अगर वो बंदा सच में मार सकता है तो भाई वो मुझे भी मार सकता है। तो देखो अभी ना ये जो गाड़ी ना, इसको लेकर के जाऊंगा और उनकी बैंड तो बजाऊंगा। हाँ तो गाइस लास्ट टाइम जो कांड हुआ ना भाई, उससे ना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है फ्रैंकलिन पर। क्योंकि देखो यार फ्रैंकलिन का ना, क्योंकि यार फ्रैंकलिन से मैंने ये नहीं सोचा था यार कभी वो ऐसा कुछ भी करेगा। तो यार देखो, उसको मैं छोड़ देने वाला चाहे जो कुछ भी होगा। लेकिन हाँ, अभी ना फटाफट से काम करना चाहिए हमें, जल्दी से गाइस हम लोगों ने इस वाले गाड़ी को लेकर हम लोग चलते सीधा ना ब्लास्ट गैंग के अड्डे पर। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जो किलर था ना भाई, वो ब्लास्ट का ही बंदा था, और पता नहीं यार कितने सारे गैंग वैंग अभी वो लोगों ने बना रखा है। चलो भैया ठीक है, अभी ना जो ब्लास्ट का अड्डा है ना, वो यही आस पास है। तो गाइस यार मैंने इनको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, फटाफट से किसी काम करते हैं, गाड़ी को ना भगाते हैं। और जो ब्लास्ट का अड्डा है ना भाई, वो यही पर है। ये देखो यहाँ पर वेगोस का जगह है, और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर कट लूंगा ना भाई, तो इस जगह पर है भाई ब्लास्ट अड्डा। मतलब यार काफी सारे लोग ना गैंगस्टर मिले पड़े फ्रैंकलिन के साथ, और देखो अगर वो ना लेस्टर को मार सकते हैं और भाई इतने पैसे वैसे लाश दे करके भाई हमारे पीछे दुश्मन लगा सकते हैं ना, तो वो भाई हमें भी मार सकते हैं बहुत आसानी से। तो गाइस यार मैं आज उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन गाइस आज वाली वीडियो में लाइक टारगेट है पूरे भाई 12,000 का। तो गाइस यार जाकर ना फटाफट से लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, ताकि ना भाई नेक्स्ट एपिसोड ना फटाक से जल्दी मैं डाल दूं। चलो गाइस यार लेस्टर को मारने का प्लान बनाकर ना फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ी गलती करी है, तो मैं आ चुका हूं सीधा बदला लेने के लिए। और आज ना भाई इनके हम लोग बैंड बजा देंगे। तो चलो देखो यहाँ पर ना ब्लास्ट का डाय, और वेट यहाँ पर गाइस एक रैंप है जो कि यार आराम से मैं उस साइड की तरफ जा सकता हूँ। तो फटाफट से काम करते यहाँ पर ना भाई, जल्दी से जंप करवाते हैं। और एक सेकेंड, वेट भाई यहाँ पर देखो ब्लास्ट वाले बंदे क्या कुछ कर रहे हैं भाई, पार्टी कर रहे हैं लेस्टर को मारने के बाद। रुक जाओ बेटे, मैंने तुम लोगों को बताता हूँ, तेरी भैंस की टांग भाई देख रहे हो। यहाँ पर ना गाइस पूरा मैंने तबाही मचा दी है, पूरा गाड़ी हवा में उड़ रही है। लेकिन भाई ये लोग ना पूरा अलर्ट होकर के देखो कैसे मारने आ गए हमें। बट कोई ना गाइस, यहाँ पर मैंने ना बहुत गंदी वाली इनकी बजाई है, यहाँ पर आरपीजी। और भाई देखो भाई इनको ना बहुत गैंगस्टर बनने का शौक है ना फिलहाल। देखो यार अपनी गाड़ी के ना ऐसी तो तैसी कर दी है, बट कोई ना गाइस अपनी गाड़ी इतनी मजबूत है ना, बस सीर से ही फूट सकते हैं, इसको कुछ हो नहीं सकता। चलो ठीक है, थोड़ा सा इस साइड की तरफ मैं आ चुका हूँ। और ये देखो ये बंदा यहाँ पर आ रहा है ना, इसको मार दो पहले, निकल। ओ भाई बच गया, एक और बच गया, तेरी भैंस की टांग, ये मर क्यों नहीं रहा भाई। रुको गाइजर, मुझे ना गन चलनी चाहिए तेरी ऐसी की तैसी, अब ले तू। चलो गाइजर इस वक्त तक गंदी वाली मौत मेरे इसको मार दिया है, ये एक और पड़ेगा। चलो भाई ये खत्म, तेरी भैंस की टांग। चलो यार ये जो गाड़ी ना भाई कसम से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है यार, इससे ना मैंने गैंग की तो ऐसी तैसी कर दी सिर्फ एक ही दो सेकंड में। चलो गाइजर यहाँ पर ना जितने बंदे थे ना भाई, जितने पार्टी कर रहे थे लेस्टर को मारने के बाद, सबको मैंने बहुत बुरी वाली मौत मार दी है। और एक सेकंड, यहाँ पर ना कुछ बहुत गाड़ियां बची हुई है, तो इसको भी हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं। चलो भैया ठीक है, यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे हो सकते हैं ना भाई जा करके छुप गए होंगे। तो चलो ठीक है, लेस्टर को बताते हैं, तेरी भैंस के टांग यहाँ पर आग बुझाने के लिए आ गए। चलो कोई ना भाई, इनका काम इनको करने देते हैं। फटाफट से लेस्टर को बोलते हैं कि यार देखो हम लोगों ने ना सारे विलास वालों को ना ऐसी तैसी कर दी है। अभी बात करिए तो लेस्टर ने भाई मेरे को एक बहुत खतरनाक सीक्रेट बताया। तो आज ना भाई फ्रैंकलिन का ना एक डील होने वाला है एक बहुत बड़े माफिया से, और उन लोगों ने भाई एक जगह पर मीटिंग रख रखी है। तो मुझे ना वहीं पर जा करके इस वाली गाड़ी के थ्रू ना वहाँ पर भाई डिस्ट्रॉय करना है सबको। लेकिन उससे पहले भाई मुझे ना बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाना पड़ेगा। तो फटाफट का काम करते हैं, गाड़ी को उड़ाते उड़ाते यहाँ से निकलते हैं हम लोग एक मैकेनिक के पास जो कि ना गाइस बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह लगाता है। लेट्स गो, फटाफट चलते हैं। चलो गाइस ठीक है, मेरा गाड़ी को लेकर मैं सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ। भाई बैनिन ने मेरा बहुत खतरनाक काम तो किया है, लेकिन भाई बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं लगाया, यही बहुत बड़ी मतलब भूल कर दी उसने। तो ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक लॉस सैंटोस कस्टम पे। तो भाई अभी ना इस बंदे के पास जाकर देखते हैं ग्लास या बुलेट प्रूफ लगा पाएगा या फिर नहीं।
ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है, पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है बंदे ने आधे घंटे लगा करके, और अभी देखो भाई क्या ही सही लग रही है गाड़ी। तो ठीक है गाइस, अब ना भाई अपना जो ग्लास है ना भाई पूरी तरीके से ब्लड प्रूफ है, तो अब ना भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलो भैया ठीक है, अभी ना भाई इनकी जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है ना वहाँ पर चलते हैं। लेस्टर भाई घर पर ना छुपा रहेगा अभी, क्योंकि अभी वो बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि अभी ना भाई लेस्टर का फेक डेथ का पूरा न्यूज़ वगैरह चल रहा है, तो सबको लगता है लेस्टर मर चुका है, लेकिन लेस्टर अभी भाई जिंदा है। तो हाँ, अभी ना उसने मेरे को सारा कुछ बता दिया कि आखिरकार उनकी जो मीटिंग है ना कहाँ पर हो रही है। तो चलो भैया ठीक है, अभी ना लेस्टर ना घर पर ही रह करके ना भाई सब कुछ हमें कमांड देता रहेगा, और हम लोग भाई सबकी बैंड बजाते रहेंगे। चलो भैया ठीक है, फटाफट से गाड़ी को पूरे फुल स्पीड भगाते हैं और उड़ाते उड़ाते हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधा उनके जगह पर जहाँ पर वो लोग भाई मीटिंग कर रहे हैं। भाई वैसे कुछ भी हो ना, ये गाड़ी आपको कैसे लगे एक बार ना गाइस कमेंट करके ज़रूर से बताना। भाई उड़ती बहुत गजब है यार, देख रो पैरासूट वगैरह ओपन कर देने के बाद ना कोई घंटा में पकड़ नहीं सकता। फिलहाल यहाँ पर ना खतरनाक वाला जंप, और भाई सब ये देखो यार, सोचो अगर पुलिस हमें पीछा कर रहा है भाई जिंदगी भर पकड़ नहीं पाएगा। मजा आ गया। चलो ठीक है गाइस, फटाफट हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं लोकेशन पर। ऑल राइट गाइस, अभी ना गाड़ी को पूरा फुल मॉडिफिकेशन कराने के बाद ना मैं पहुंच चुका हूं भाई उनकी बैंड बजाने के लिए, और लेस्टर ने भाई यही आसपास का ना लोकेशन दिया है। तो अभी देखो भाई इनकी मीटिंग तो मेरे को फेल करनी है चाहे जैसे भी करनी है, तो इनको मैं छोड़ने नहीं वाला फिलहाल, लेट्स गो। मैं भगाता भगाता ना यहाँ पर आ चुका हूं, और भाई अभी देखो ना यही आसपास ना कुछ खतरनाक सी जगह है जहाँ पर मीटिंग वगैरह चल रही है, और भाई उनके जो बंदे हैं ना भाई वो मुझे दूर से दिख जाएगा ऐसा लेस्टर बोल रहा था। फिलहाल ड्रोन है उसके पास ना, तो ड्रोन में से सारा कुछ देखा था। और एक सेकंड गाइस, अपना जो कार है ना वो एनिमी डिटेक्ट कर रहा है। ओके, रेड रेड आ रहा है ना भाई, मतलब यहीं पर एनिमी है भाई। तो गाइस यार इसमें ना ऐसा कुछ फीचर है ना भाई, जो भी गन वन लेके खड़ा रहेगा ना भाई सीधा उस पर निशाना करके ना मतलब एक तरीके से अलर्ट दे देता है, ताकि मैं आराम से ना पूरा ध्यान देके चलूं और वो लोग मारे ना। हाँ तो गाइस यार इस वक्त आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर ना काफी सारे गैंग वैंग के बंदे मेरे को दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे इस वाले गाड़ी को ना कहीं पर छुपाना चाहिए, क्योंकि इसलिए ना भाई क्योंकि मुझे सबसे पहले जाकर देखना है कि यहाँ पर भाई क्या कुछ मीटिंग चल रही है, तभी तो भाई सब मैं और कुछ जान सकता हूँ। लेट्स गो, गाड़ी को ना पहले पूरी तरीके से लॉक करते हैं। चलो भाई सब ठीक है, बहुत परफेक्ट जगह पर आके रुका हूँ, फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, और क्या पता अभी मुझे यहाँ से सारा कुछ नजर आ जाए। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हाँ यार यहाँ पे चढ़ने के लिए ना काफी कुछ दे रखा है इन लोगों ने। चलो भाई बढ़िया बिल्डिंग है, तो हाँ हम लोग ऊपर आराम से जा सकते हैं, बाकी ध्यान ये रखना ना कि मेरे को कोई देखे ना। और गाइज एक सेकेंड, यहाँ पर देखो नीचे कुछ गाड़ियाँ है, और वो बंदा बेसबॉल बैट वेट देखना ले, कवर लेता है यहाँ से। और देखो भाई यहाँ पर रेंज रोवर जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, दो चार बंदे तो भाई यहीं पर से मेरे को दिख रहे हैं, बट इनको छोड़ो अभी थोड़ा सा और आगे। भाई रुको, वहाँ पर काफ़ी सारे स्नाइपर्स है भाई। तो यार इस वक्त यहाँ पर ना मुझे काफ़ी सारे यहाँ पर ना गार्ड्स नजर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो बंदे, ओ तेरी भैंस की टांग, नहीं यार क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, कैसे गिरा मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट चलो गाइस तभी ना मेरे पास एक मस्ती आइडिया, फटाफट ना पहले यहाँ से जंप, ओ नहीं, चलो गाइस बढ़िया तरीके से मैंने जंप किया है। बाकी इधर देखो काफ़ी सारे बंदे हैं, तो मुझे ना इनसे बच बच कर ना पहले दो चार बंदे को डाउन करते हैं, और भाई अंदर जाकर ना देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर भाई फ्रैंकलिन है का, अगर वो हुआ ना भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ मुझे ये भी देखनी साथ साथ ना कि मीटिंग यहाँ पर किस चीज़ को आने वाली, क्योंकि लेस्टर ने मुझे ना ये भी पता करने के लिए बोला है। तो अभी देखो अरे रे 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 भाई 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 यहाँ पर बंदा है, और ये नमूना भाई यहाँ से जाएगा तभी तो मैं जाऊँगा किसी तरीके से। चलो ठीक है, वो उधर की तरफ जा रहा है, फटाफट ना यहाँ से दौड़ते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर मैं आकर के छुप चुका हूँ, कोई देख नहीं सकता। और लेकिन इस वक्त ना गाइस मुझे इस बंदे को ना सबसे पहले डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास ना हर एक टाइप्स की गन है, बट इसको ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। और अभी ना गाड़ी को एक लात में बजाता हूँ, साउंड करेगा वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा चल करके। वेट वेट, वो कहीं और जा रहा है। चलो गाइस ठीक है, यहाँ पर ना मैं बस एक बढ़िया सा मौके का इंतजार कर रहा हूँ, और इस बंदे को ना बहुत गंदी वाली ना ख़त्म करने वाला हूँ। लेट्स गो, वहाँ पर वो उधर की तरफ गया, ये इधर है, रुको रुको रुको, ये इधर आ रहा है ना। चलो भाई ये बहुत सही मौका है, इसको जाकर ना फटाक से रख के बजाते तेरी भैंस के डंग। चलो भाई सब ठीक है, इस वक्त रख रख के मैंने इसकी बजा दिया। चलो भाई सब इसको ना बहुत ज्यादा गंदी वाली लाते गुस्से मार कर बजा दिया। वेट भाई, वो बंदा आकर के देखा तो नहीं ना, चलो हो सकता है उसकी ध्यान इधर पर गया नहीं। लेकिन अभी ना भाई फटाफट से जा करके दूसरी बंदी को खत्म करते भाई, वरना अगर वो लास्ट देख लिया ना तो बहुत बुरा वाला सीन हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, बंदा यहाँ पर कटते ही जा रहा है, तेरी भैंस के डंग निकल यहाँ से। चलो भाई ये भी गया काम से। फिलहाल यहाँ पर दो बंदे उधर की तरफ ना बैठ कर बातें कर रहे हैं, पर इनको पता ही नहीं है कि इधर मैं क्या कुछ कांड कर फिर रहा हूँ। चलो ठीक है, फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और बंदा है, और इसको मारने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, नाइफ निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं नाइफ नहीं, इससे मारते भाई, इससे ऐसे खतरनाक बजाएंगे ना कि बंदा रोता रहेगा। चल निकल यहाँ से। चलो गाइस यार ये भी खत्म हो चुका है, और इसी तरीके से ना भी हम लोग फाइनली ऊपर की तरफ आराम से जा सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। लेट्स गो, एक और बार देख लेते हैं कोई है तो नहीं ना।
तो यहाँ पर तो मुझे वैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ जो मुझे चाहिए था ना वो मेरे को मिल चुका भाई। इधर देखो काफी सारे बंदे हैं, और मुझे लगता है ना भाई ये सारे लोग किसी ना किसी का आने का इंतजार कर रहे हैं। और भाई अभी ना आप लोग सामने की तरफ देखो यार, इतने सारे बंदे यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर है यार, अगर जब मतलब उन लोगों की नजर एक बार मेरे पे पड़ी ना तो वो लोग भाई भगा भगा कर मारेंगे। चलो गाइस यार, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो भाई, कैमरा वैमरा निकाल कर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बाकी एक सेकेंड, ये फ्रैंकिन और ये कौन है भाई, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी ना भाई ये दोनों के दोनों बैठ करके कहाँ जा रहे हैं भाई? तो यार भाई अभी ना ये बंदा यहाँ से निकल चुका है, और आई थिंक ना भाई ये कहाँ जा रहा है मुझे तो नहीं पता। लेकिन सामने देखो भाई कितने सारे वेगोस वेगोस के बंदे हैं, मतलब जितने भी गैंगस्टर हैं भाई उनके साथ इन लोगों ने भाई मिल रख, मतलब सारे के सारे गैंगस्टर के साथ ना ये मिल रखा है फिलहाल। हाँ अभी फटाफट से कैसे काम करते हैं, इनको खत्म करने का वक्त आ चुका है। मुझे बस जानना था भाई यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो भाई अभी देखो मेरे पास ना और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हाँ गाइस एक और प्रॉब्लम है, अगर नीचे वाले बंदे को मैं गाड़ी से तो उड़ा दूंगा, लेकिन ऊपर जो बंदे हैं भाई वो आरपीजी से बहुत गंदा वाला बजा देंगे। तो फटाफट यहाँ से ना एक जंप करना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ। अबे भाई क्या हो रहा है, रुको रुको रुको, फटाफट से ना गाड़ी को स्टार्ट करके ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई बंदा फोन पर ना पूरा फुल बिजी है, तो मुझे लगता है ना भाई इसको कुछ साउंड वाउंड सुनाई नहीं दिया। फटाफट से थोड़ा सा आगे करते हैं। बस 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 भाई, इसको अगर जरा सी पता चल गया ना कि यहाँ पर भाई इसको मारने के लिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। लेट्स गो गाइस, इसको मारने के लिए ना हम लोग नाइफ का इस्तेमाल करने वाले हैं। फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, और ये पड़ेगा इसको गंदी वाली। चलो भाई अभी ना किसी को पता नहीं चला, एक बंदा वहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है। तो देखो अभी ना एक का ध्यान उधर है और एक का ध्यान उधर है, तो ये बहुत सही मौका रहेगा। फटाफट से गाइस चुपके चुपके चलते हैं, और वो बंदा बस मेरे को ना गलती से भी देख ना ले। बाकी तेरी ऐसी तैसी कर क्या रहे हैं यहाँ पर। चलो गाइस इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, और किसी को ना भाई पता भी नहीं चला है। रुको रुको रुको, इसको भी भाई साहब लगे हाथ ना खत्म कर ही देते हैं। चलो गाइस बंदे का ध्यान बिल्कुल उधर, एक सेकंड, तेरी भैंस की टांग किसको गंदी वाली पड़ी है और इसको पता चल गया। रुको रुको रुको, फटाफट से इसको खत्म करते हैं, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। चलो गाइस अभी ना मैंने इसको बचा तो दिया, लेकिन अभी ना भाई यहाँ पर ना काफी सारे लोगों को पता चल चुका होगा भाई, गंदी वाले ना ब्लास्ट कर रहे भाई। रुको 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 रुको, उनको पता चल चुका है माइकल यहाँ पर आ चुका है इनकी बजाने के लिए। तो भाई देखो अब ना मुझे एक काम करना चाहिए, फटाफट से ना रेंज रोवर के अंदर बैठते हैं और जाकर अपनी गाड़ी को ना भाई वापस लेकर आते हैं। अबे नहीं यार ये, अबे फंस गया मैं गंदा वाला। रुको रुको, फटाफट से इस साइड की तरफ चलते हैं, और गाइस अभी ना अपनी पावरफुल वाली कार लेकर आते हैं भाई, उसके अलावा उसके बिना हम लोग भाई इनको खत्म नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये रही, फटाफट से जाकर बैठते हैं। चलो गाइस ठीक है, अभी मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ, और इस वक्त भाई फटाफट से मुझे अंदर जाने चाहिए। चलो भाई साहब ठीक है भाई, यहाँ पर देखो एक बंदा तो आ रहा है भाई, यहाँ पर मेरे साथ ही आ रहा है, तेरी भैंस की टांग, इसको तो पहले खत्म करते हैं, निकल साले। ओ भाई चलो गाइस गंदी वाली इसकी बचा दी है यार, गाइस आज ना बहुत गंदी वाली लड़ाई होने वाली है, तेरी ऐसे कैसे निकल यहाँ से। ओ भाई क्या बचा रहे भाई ये लोग, यहाँ पर इनके पूरे अड्डे पर मैं घुस चुका हूँ, और इस वक्त भाई देख रहे हो कैसे ब्लास्ट कर रहे हैं, बस इनको पता नहीं है कि मेरे पास भाई कैसी गाड़ी है भाई, इनकी ना बहुत गंदी वाली बैंड बजा दूंगा, कुछ इनको ना समझ ही नहीं आएगा ऐसा कुछ खतरनाक वाला सीन करने वाला हूँ। मेरी भैंस के टांग निकल यहाँ से। चलो भाई इसको पहले जाकर खत्म करते हैं, और भाई सब इस वक्त तक यहाँ पर ना काफी ज्यादा गंदी वाली सीन कर दिया मैंने। रुको रुको रुको, टक्कर भी है बहुत खतरनाक, बट अपनी गाड़ी ना एकदम लोहे की है भाई, इसको घंटा कुछ होने नहीं वाला है। और अभी ना भाई यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना सब कुछ ब्लास्ट करते हैं, मेरी भैंस के तैसे निकल निकल तू भी निकल। और इस वक्त तक गाइस देख रहे हो पूरा गंदा वाला सीन कर दिया मैंने, इस वाले जगह पे ना जितने बंदे थे ना भाई सबको मैंने तबाह कर दिया है। ओके यहाँ पर और कोई जिंदा, तेरी भैंस के टांग ये मार रहा है साले, तेरे एमओ से क्या होने वाला भाई मेरी गाड़ी को। रुको यहाँ पर ना ऊपर की तरफ जाकर जाकर कैसा रॉकेट मार रहा है भाई, इतना खतरनाक वाला रॉकेट लगा है ना भाई, इधर देखो बंदे कैसे मार रहे हैं तेरी। ओ भाई रॉकेट देखा कैसे घूम घूम के मारा। रुको रुको अभी इस पे निशाना लगाते हैं पहले, अभी देखो भाई ये निशाना पकड़ लिया है, अब जाकर मारेगा इसको, कितना खतरनाक यार कसम से ना ये बहुत खतरनाक रॉकेट इसमें है भाई, ये देखो कहाँ ऊपर जाकर मारा है। फिलहाल एक सेकेंड पे पुलिस को भी आज ही आना था क्या, चलो कोई ना। अभी ना भाई यहाँ पर देखो रॉकेट निकल निकल के ना कैसे जा रही है भाई, और ऑटोमेटिक ना ये रिलोड भी होता जाता है, ये देखो अभी ना भाई क्या गंदी वाली मैंने बचा दिया है। अरे भाई साहब पुलिस को भी आज ही आना था। रुको रुको रुको, पहले ये गाड़ी ब्लास्ट कर दे ताकि कोई भी इसके अंदर ना बैठ करके हमारी बैंड ना बचा दे। लेट्स गो गाइस, ये गया पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया मैंने। और रुको 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 भाई, वो देख ऊपर की तरफ से फायर कर रहा है, ये ले तेरी भाई बच गया यार। भाई इस वक्त यहाँ पर जो डील होने वाले थे भाई उसकी तो मैंने बैंड बजा दिया है, लेकिन पुलिस वालों को भाई इनकी भी बजानी पड़ेगी। चलो ठीक है ये भी गया काम से फिलहाल। हाँ यार इतने बुरे तरीके से मैंने इनको मारा है ना कि आज के बाद ये लोग कभी भाई, लेकिन हर जगह से ना देख रहा हूँ कैसे ब्लॉक कर रहा है भाई।
रास्ता ब्लॉक करने के चक्कर में ना ये लोग आज मेरे यहाँ तो बहुत गंदी वाले मरेंगे। चलो गाइजा ठीक है, अभी ना भाई इनकी ना बहुत गंदी वाले, मैंने बैंड तो भजा दिया है लेकिन अभी ना भाई खुद को ही मेरे को बचना पड़ेगा भाई। एक तेरी भैंस की क्या गंदी वाली आकर भिड़ी है। बट हाँ, अगर मुझे पुलिस वालों से छुपनी है ना तो मैं इस कंटेनर के अंदर भी छुप सकता हूँ, बट अभी मुझे ना छुपने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर भाई काफी सारे बंदे ना ऊपर की तरफ है और उनको मेरे को खत्म करना पड़ेगा। ये रॉकेट जाकर ना ऊपर वाले बंदे को गंदी वाली बचाएगा, बट बचा नहीं पाया। चलो ठीक है, अभी हम लोग ना ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये करवाए जंप, और भाई साहब क्या गलत तरीके से आगे फंसा है। रुको रुको, यहाँ से ना एक जंप की जरूरत है यार, लेकिन गाड़ी ना मेरी फंस चुकी है, किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। वो भाई भाई गंदी वाली जंप तो हुई है लेकिन ये वापस से नीचे आ गया यार। कसम से ना काफी मजबूत गाड़ी भाई, निकल यहाँ से भाई। ये पुलिस ऑफिसर अलग से पर भाई, यहाँ पर तो स्वेट के बंदे आ गए यार, इनकी ना एक अलग ही रेड पर ये लगता है भाई, पता नहीं क्या सीन है। बट अभी देखो मेरे को भाई खत्म करनी थी इन गैंगस्टर को, और मैंने इनको खत्म कर दिया है। बस ना थोड़ी बहुत अभी बचे हुए हैं तो उनको भी खत्म करेंगे। ऊपर की तरफ मैं आ चुका हूँ फाइनली वापस से, और एक सेकंड गाड़ी वापस से सही हो जा। चलो गाइस ये सही है, और अभी ने गाइस ऊपर की तरफ मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा तो कर दिया है। ओके गाइस, इस वक्त लेस्टर का ही कॉल आया था और भाई वो मेरे को बोल रहा है यार निकलो वहां से, तुमने वहां पर जाकर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन कर दिया, मतलब कांड कर दिया। गैंगस्टर को तो मार ही, साथ ही पुलिस वाले यहाँ पर आ गए भाई गंदी वाले हमारे बचाने के लिए। चलो ठीक है, गाड़ी सीधा हो जाए ना तभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो भैया ठीक है, अभी ना पुलिस वालों से मेरे को बचना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो अभी ना ये बंदा मेरे को हो सकता है क्रिमिनल समझ रहा है, लेकिन इनको क्या पता भाई मैंने इनकी हेल्प ही करी एक तरीके से। हाँ यार, अब ना अपनी गाड़ी का ना पूरा फुल मजा आने वाला चलाने में। ये देखो ये लोग सोच रहे ना रोड ब्लॉक करके बचाएंगे भाई, क्या गलत सीन किया मैंने। ये ले भाई, सही में ये गाड़ी इतनी खतरनाक है ना भाई कि आज ये लोग ना अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फटाफट से काम करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, एंड अभी ना भाई हाईवे के थ्रू होकर हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग मेरा ना घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। चलो ठीक है भैया, फटाफट से भगाते हैं गाड़ी को। और एक सेकंड भाई, सामने भी रोड ब्लॉक कर रखा है, बट इनको मार के कोई फायदा नहीं है। लेकिन ओ भाई, अच्छा मैंने संभाले, मुझे लगा सीधा जाकर मैं पानी में गिरूंगा भाई, बट कंट्रोलिंग काफ़ी सही है इसका, मैं हवा में भी आराम से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तेरी भैंस की बच गया मैं, बट हाँ बच गया भाई, सच्ची बच गया। चलो गाइस, अभी ना मैं छुपता देख रहा हूँ कहाँ कहाँ के घुस रहा हूँ भाई, मुझे ना कोई ऐसी जगह जाना पड़ेगा ना जहाँ पर मैं आराम से बच सकूँ, बट कहाँ जाकर चुप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट एक बात तो है गाइस, इस वाले गाड़ी को ना घंटा कोई पीछा नहीं कर सकता। और लेट्स गो, अभी मैं भगाते भगाते ना बहुत दूर आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफिसर वगैरह ना देख रहे हो स्वेट के बंदे आ रहे भाई मेरे पकड़ने के लिए। अब मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया भाई, मतलब यार बुरे लोगों को ही मारा है भाई, ये लोग क्यों पीछे पड़ गए। चलो यार, हो सकता है कुछ ज़्यादा वाला डिस्ट्रक्शन किया ना मैंने, खतरनाक वाला, इसलिए भाई ये लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। फिलहाल इसी रास्ते पर ना दोबारा जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, इनको मैंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, तो अब हम लोग भगाने वाले इसको ना बहुत तेज़ी से। एंड हाँ, मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, हम लोग ना गाइस यहाँ पर ना जंप करा कर ना ऐसी जगह पर जाएंगे ना कि ये लोग भाई कभी आ नहीं पाएंगे। लेट्स गो भाई, ये लोग कहाँ से पीछा कर सकते यार, अपना आप ही लोग बताओ, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से मैं भाग रहा हूँ इनसे। बट हाँ गाइस, अभी ना इतनी खतरनाक वाली अपने पास व्हीकल है ना भाई, तो ये लोग हो सकता है भाई अपनी तलाश भाई खत्म, मतलब छोड़े ही ना भाई। लेट्स गो गाइस, जितना चलते हो उससे हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जाकर कहीं छुपते हैं। और अभी ये लोग ना भाई काफ़ी टाइम से ना मेरा पीछा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पूरा रोड वगैरह में फैले पड़े हैं, हेलीकॉप्टर और हर एक चीज़ यहाँ पर भाई मेरे पीछे लगा दिया है, बट मुझे पकड़ नहीं सकते। और भाई ये गाड़ी ना मेरे ख्याल से ना वो लोग हर हाल में मेरे से छीनना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मेरे पास रहा ना तो मैं पुलिस वालों की हर एक की बैंड बजा दूंगा। हाँ तो गाइस, अभी ना फटाफट से भाई मुझे ना जाकर कोई ऐसी जगह पे छुपना पड़ेगा भाई, यहाँ से तो बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चलो गाइस ठीक है, अभी ना भाई हम लोग अपने दुश्मनों से ना आधी अधूरी बदला तो ले चुके हैं, लेकिन अभी ना भाई पूरी तरीके से बदला लेना बाकी है भाई। फ्रैंकलिन को जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा ना भाई, तब तक भाई अपना बदला पूरा नहीं होगा भाई, क्योंकि उसी का हाथ है, क्योंकि भाई उसी का प्लान था लेस्टर को मरवाने का। और भाई ऐसा उसने सोचा कैसे भाई, उसको अब तो अपनी जान देकर ही भाई, उसको तो अपनी जान अब देना ही पड़ेगा। चलो गाइस ठीक है, अभी हम लोग फटाफट से कोई टनल में जाकर पहले छुपते हैं, अगर हम लोग टनल में जाकर छुप गए ना तो अपने को भाई कोई ढूंढ नहीं सकता। और वैसे भी यार अभी भी ना कोई ढूंढ नहीं सकता भाई, ये देखो मैं कैसी कैसी जगह पर आ रहा हूँ, बस हेलीकॉप्टर वाले को ना बचाना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो वही बस एक है जो कि भाई मेरा पीछा कर पा रहा है, अदरवाइज गाड़ी वाले कहाँ यार, वो कहाँ फिकार है, एक बार जंप के बाद ना वो भी भाई मेरे को घंटा ढूंढ नहीं पाते। ये देखो कहाँ कहाँ जाकर के मैं गिर रहा हूँ एक ही जंप में। यार गाइस इनसे बचना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि देखो ऐसी खतरनाक गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, तो इन्होंने भी ठान लिया होगा ना कि इसको तो हर हाल में पकड़ कर रहना है, और अगर मैं पकड़ा गया तो सीधा जाऊँगा परिसर। तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं सीधा भाई ये जगह छोड़कर मैं जा रहा हूँ कोई आइलैंड पे, वहीं पर जाकर के आराम से रहूँगा भाई फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर वाले बंदे ना मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे, तो इनसे अगर मेरे को पीछे छुड़ाना है तो मेरे पास एक ही रास्ता है। ये तेरी भैंस की टांग, क्या पागल वागल है क्या, निकल यहाँ से। चलो गाइज ये ख़त्म है, बाकी यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर है और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर चला रहा है, और वाइट ख़त्म।
चलो भाई, अब तो अपना पीछा करने वाला कोई है नहीं, तो मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। एंड अब भाई अपने लिए सारा कुछ आसान है, लेट्स गो। चलते हम लोग सीधा माउंटेन के ऊपर, एंड माउंटेन के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं यार है जरूरत भाई, यहाँ पर देख रहे हो पुलिस वाले भाई आती जा रहे भाई। यार क्या ही करे यार, अभी लेस्टर ने मेरे को एक बार बोला भी था कि यार इस वाले गाड़ी को ना पुलिस वाले से हर हाल में छुपा कर रखना, क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना तो भाई वो लोग ना हमें छोड़ेगा नहीं, मतलब छोड़ेंगे नहीं। बट कुछ भी, अभी ना गाड़ी को मैं काफी तेजी से भगा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेन, हाँ ये बहुत सही रहेगा भाई। ट्रेन भाई बच गया। भाई मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ? मेरे पास एक रास्ता है, ऊपर चढ़ सकता हूँ मैं साथ से। अगर मैं ट्रेन पे आ गया ना आराम से तो भाई मैं बच सकता हूँ। अरे भाई भाई कहाँ के फंसा हूँ मैं, एक ना जंप करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। नहीं नहीं, जंप की जरूरत नहीं है। चलो गाइज जहाँ पर मैं आ चुका हूँ भाई, अभी ना ये ट्रेन में बैठ कर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बस एक काम करता हूँ, एक बार ना ये हेलीकॉप्टर वाले जो है ना भाई, इसको ख़त्म करता हूँ, ताकि ना भाई ये लोग कभी हमारा पीछा नहीं कर सके। अबे यार बच गया। चलो गाइज ठीक है, अभी ना मैं ट्रेन के ऊपर बैठ कर, चलो भाई साहब ठीक है, इस वक्त तो भाई ट्रेन में बैठ कर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाकी ये हेलीकॉप्टर वाले मेरे को बस परेशान कर रहे, तो इनको तो मैं बहुत गंदी वाली बजा दिया है। चलो वो हेलीकॉप्टर क्रेश हो चुका है, बाकी ये एक बच्चा पड़ा है, तो इसको भी मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये पड़ेगा सबसे पहले इस बंदे को, ये गया। और यहाँ पर जो ड्राइवर है ना उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये तेरी भैंस की टांग भाई बहुत पावरफुल है भाई। चलो ठीक है, फाइनली ये भी जा करके क्रेश हुआ है, और वो तो भाई पहले क्रेश हो गया। तो भाई देखो अब ना मेरे को घंटा कोई ना पीछा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बाकी देखो यहाँ पर रोड पे, देखो यार रोड पे आप लोग देखो कैसे गाड़ी जो ना पूरा भाई पीछा कर रहे हैं। बट कहाँ तक पीछा करेंगे ये भी तो भाई बात है ना। हाँ अभी ना फटाफट आरपीजी निकालता हूँ, और अभी भाई ये ना हीरो बनने आया, तो इसको हम लोग बजा देते हैं। और ये जा करके पड़ा है खतरनाक वाला, और खतर यार गाइस सच्ची में ना मजा आ गया भाई। आज तो हम लोगों ने अपने दुश्मनों के लिए ऐसी तैसी कर दी है, और ऊपर अबे यार ये हेलीकॉप्टर वाले सुधरेंगे नहीं। तेरी भैंस की डांग, रुको रुको इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं मेरे पास। और ये ख़त्म, चलो भैया ठीक है, अब तो भाई मेरा कोई पीछा नहीं कर सकता। चलो गाइस हेलीकॉप्टर वालों को तो मैंने बैंड बजा दिया, बट अभी जो है ना भाई पुलिस वाले भाई पीछा कर रहे हैं। देखो कैसे रोड पर ही आके पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं भाई ट्रेन में आराम से बैंड करना यहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका हूँ। एंड अब मुझे लगता ना कोई मेरे को पकड़ नहीं सकता, फटाफट से गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई गलती से भी ट्रेन से ना नीचे गिरूँ और अपनी गाड़ी यहाँ अपनी गाड़ी भाई हमारे हाथ से निकल जाए। चलो गाइस अभी ना पुलिस वाले से हम लोग बच चुके हैं फाइनली। एंड अभी हम लोग यहाँ से फटाफट ना पहले लेस्टर से बात करते कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने ना उस जगह पर जाकर सारे डील वील फेल कर दिए। तो यार गाइस इस वक्त भाई फ्रैंकल का कॉल आया था, और इस वक्त भाई हुआ ये ना कि मैंने भाई जा करके सारे बंदों की बैंड बजाई, उनकी डील फेल करवाई ना भाई, तो फ्रैंकल मेरे को कॉल करके धमकी दे रहा है कि यार देख लेस्टर तू तेरा फ्रेंड मर चुका है, और अब तेरी बारी है, तो तू बच के आना मेरे से। बट उससे पहले हम लोग उसको मारेंगे, और भाई वो जो बोर है ना लेस्टर मर चुका है भाई, जब उसको पता चलेगा ना लेस्टर जिंदा है तो भाई बंदा ना बहुत गंदा वाला रोने वाला है। चलो गाइस ठीक है, फिर ट्रेन को भाड़ में जाने देते हैं, हम लोग यहाँ से सीधा निकलते हैं लेस्टर के पास। रुको ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आराम से यहाँ से निकलते हैं। बाकी रुको यार यहाँ पर ना ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, बट अपन ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ यार रुको, मुझे ना ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से सीधा ना जंप ही करा लेता हूँ। यार कौन इतना मेहनत करेगा भाई, लेट्स गो, ये बढ़िया है। बट यार इतना ज़्यादा अगर पुलिस वाले मेरे को देख लिया ना तो सीन हो जाएगा। मैं ना फटाफट से यहाँ पर चलता हूँ, रॉन्ग साइड चल रहा था ना भाई, तो मुझे इस साइड की तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, अभी अपनी इस वाले गाड़ी को लेकर हम लोग यहाँ से चुपचाप निकलते हैं लेस्टर के पास, एंड लेस्टर ने मुझे सब कुछ बताएगा कि क्या कुछ करना है। वैसे हम लोगों ने भाई दो जगह पर जाकर भाई बैंड बजा दी थी, एक जगह पर जहाँ पर भाई लेस्टर के मरने की पार्टी बना रहे थे ना भाई, खुशियाँ बना रहे थे ना, वहाँ पर जा करके मैंने बैंड बजाई है। जहाँ पर भाई फ्रैंकलिन और उसके बंदों की मीटिंग होने वाले थे ना, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बैंड बजाई और सबको खत्म भी कर दिया है। चलो गाइस ठीक है, लेस्टर का ही कॉल आया था, और लेस्टर मुझे बोल रहा है कि जाकर सबसे पहले काम करो, इस गाड़ी को फिलहाल के लिए छुपाओ, क्योंकि अभी ना पूरा लॉस सैंटोस का न्यूज़ चैनल वाले इसी को कवर कर रहे हैं, और अगर गाड़ी के साथ तुम पकड़े गए ना और उनको पता चला कि माइकल चला रहा था ना, तो सीन हो सकता है। तो फटाफट से गाइस मुझे ना इस वाले गाड़ी को छुपाना चाहिए, और हम लोग इसको छुपाएंगे कहाँ यार। हाँ एक जगह है जहाँ पर हम लोग इसको छुपा सकते हैं, तो फटाफट गाइस अपने ना एक सीक्रेट वाले गैराज पर चलते हैं, और अभी ना भाई वहीं पर हो सकता है हम लोग को छुपाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है, फाइनली गाड़ी को लेकर मैं पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम पर इस वक्त। और हाँ गाइस अभी ना एक काम करते हैं भाई, शोरूम पर ही ना इस वाली गाड़ी को हम लोग रख देते हैं। वैसे भाई एक सेकंड, इतना साउंड क्यों कर रहा है भाई, कुछ तो बात है फिलहाल। एक सेकंड, हाँ यार हो सकता है ना कोई गाड़ी खरीदा होगा इसी के लिए, यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही होगी। लेट्स गो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार देख रहे हो मैंने लास्ट टाइम ना उन लोगों को पैसे वैसे दे करके अपनी सारी गाड़ी भी वापस लेकर आ गया, तो हाँ ठीक है इनको भाई शोरूम के अंदर हो सकता है जगह नहीं होगा रखने के लिए। बट कोई ना, अभी हम लोग एक काम करते गाइस, गाड़ी को ना फिलहाल के लिए नहीं पुलिस वाले देख लेंगे तो वो लोग भाई यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे ना गाइस उस साइड की तरफ जाना है, कैसे जाऊँ अबे यार मैं पागल हूँ कसम से, मेरे को ना बस यहाँ पर एक जंप करके ही जाना है। अरे भाई
क्या यार, जंप ही नहीं हुआ। चलो गाइस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ से जंप करते हैं और ये फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं अच्छे तरीके से। लेट्स गो, बहुत इजी हुआ। फिलहाल गाइस यहाँ पर हम लोग अगर अपने शोरूम के अंदर छुपाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और पुलिस वाले इस वाली गाड़ी को ढूंढ भी नहीं सकते। चलो गाइस फाइनली इस वक्त अंदर की तरफ हम लोग आ चुके हैं और इस वाले गाड़ी को हम लोग एक काम करते हैं ऊपर की तरफ ऊपर वाले फ्लोर पर रख देते हैं ताकि ना गाइस कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, फिलहाल इसको यहीं पर खड़ा करते हैं, जाकर देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। ओ भाई साहब, मुझे लगता है ना गाइस अपने शोरूम पे जो ये वाली जो स्पोर्ट्स कार थी ना भाई, ये बिक चुकी है, कोई ना कोई खरीदा है और भाई उसी के ना डिलीवर देने के लिए। देख रहे हो भाई कैसा खतरनाक यहाँ पर सजावट वगैरह करी है बैरी ने। फिलहाल यहाँ पर केक वेक कट करने की तैयारी कर रहे हैं। गाड़ी तो भाई एकदम ना कतई खतरनाक है, फूल वूल डाल करके एकदम मस्त सजा रखा है। बाकी इधर देखो भाई, इसका जो पैंट है ना भाई, ये सबसे ज्यादा यूनिक लगती है मेरे को। बाकी ये सब छोड़ो यार, नॉर्थ कैंटिंग में ना कोई बंदे ने भाई सब काफी बढ़िया बढ़िया कार की ऑर्डर करी थी, तो उनका क्या ये भी मेरे को बयाने से पूछना है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम ना मेरे को किसने बोला था कि यार हाँ एक जगह पर जाकर ना गाड़ी डिलीवर करके आनी है। एंड हाँ यार, अभी ना अपने शोरूम में इतना जगह तो है कि सारी की सारी मर्सिडीज की और रेंज रोवर की एसयूवी आ सकती है नीचे और ऊपर वाले फ्लोर पर। फिलहाल गाइस ठीक है, अभी इनकी पार्टी वार्टी चल रही है, फटाफट से बैनी से हम लोग एक बार ना बात भी कर लेते हैं। ओके गाइस चलो ठीक है, बैनी से ना बातचीत हो चुकी है, बाकी अभी इसको ना ऑफ कर दिया है और अभी ना यही जो दोनों गाड़ी है ना भाई, इसको मैं जा करके नॉर्थ यांगडांग एक माफिया को देकर आनी है। हालांकि वो माफिया नहीं, एक बहुत रिच बंदा है जो कि नॉर्थ यांगडांग में रहता है, और साथ ही साथ ना बैनी ने कुछ इंतजाम भी करी है जहाँ से गाइस हमें इंडियन कार्स मिल सकती है। तो गाइस देखो अभी हमें भाई मतलब इंडियन कार्स की भी बहुत डिमांड आ रही है, तो हाँ भाई अभी जाकर ना मुझे देखना भी पड़ेगा कि इंडियन कार ना हमें कहाँ मिलेगा। और ये सब बैनी ने कुछ बहुत पता तो करी है, लेकिन देखते हैं भाई अगर मिल गया तो हम लोग ले आएंगे। फिलहाल एक गाड़ी को हम लोग फटाफट से बाहर रख के आते हैं। और हाँ गाइस यहाँ पे ट्रक और ट्रेलर दोनों का इंतजाम हो रखा है, गाड़ी भी एकदम खतरनाक है, और ये जो दोनों गाड़ी है ना भाई पूरे 25 मिलियन डॉलर में सेल होने वाली है। मतलब यार इतनी महंगी, सोचो इतने में तो भाई हम लोग ना अपने शोरूम पे पूरी गाड़ी लेकर आया था भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ दो ही गाड़ी इतने हम लोग बेच रहे हैं। फिलहाल पता नहीं वो कौन चौमी है जो कि भाई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है बैनी, बट कोई ना पैसे अपने पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वो जो बाहर मैंने रख के आया ना, फिलहाल ने कहा जो बाहर खड़ी है ना भाई, उस गाड़ी को अकेले भाई बैनी ने 12 से 12.5 मिलियन डॉलर में डील करी है। मतलब यार दोनों गाड़ी मिलाकर ना 25 मिलियन डॉलर में भाई बैनी ने डील करी है। मतलब यार अभी देखो जितना भी अपना मतलब गाड़ी वाड़ी लेने का जो अपना कॉस्ट पड़ा था ना भाई, सिर्फ और सिर्फ दो ही कार में असूल होने वाला है। तो फटाफट ना इसको हम लोग नीचे कहते हैं ट्रेलर को और अंदर डालकर लेके चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस चलो ठीक है, फाइनली अभी हम लोग ना सारी गाड़ियों को ना ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। और भाई अभी जो बैनी ना वो बिजी है, जो बंदा गाड़ी लिया है ना भाई उससे केक वेट कर कर कट कर रहा है, फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाएगा, और अभी बिजी है भाई बंदा। बाकी चलो गाइस इंडियन कार से हमें ढूंढनी है, तो बैनी ने कुछ बहुत कॉन्टेक्ट का जुगाड़ तो किया है जो कि हमें इंडियन कार दे सकता है, तो भी गाइस आज हमें लेकर आना ही आना है। फिलहाल इस वाली गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं, काफी ज्यादा परफेक्ट जगह पर है, फटाफट इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं, जाकर ना दूसरी वाली गाड़ी को एक बार चढ़ा ही लेते ऊपर। चलो भाई सब ठीक है, पहली गाड़ी हो चुकी है, फटाफट दूसरी गाड़ी को भी हम लोग जल्दी से चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ। ओके गाइस चलो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों गाड़ियों को मैंने ऊपर रख दिया है, बाकी ट्रेलर को भी लॉक कर दिया है। तो फटाफट से गाइस जा करके ना ट्रक को और ट्रेलर को कनेक्ट करते हैं, और अभी ना भाई सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना, इन दोनों गाड़ियों को हम लोग नॉर्थ यांगडांग कैसे लेके जाएंगे वो डिसाइड करना है। और बैनी ने मेरे को भाई बोला कि यार देखो तुम्हारे पास ना दो ही रास्ता, या तो तुम हेलीकॉप्टर में से किसी तरीके से करके जाओ या तो तुम ट्रेन में से लेकर जाओ, तो दो ही रास्ता है। और मैंने बोला है भाई तुम संभालो यार, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनको वहाँ तक लेकर के जाऊँ। तो चलो भैया ठीक है, फटाफट से काम करते हैं। एक बार ना भाई हम लोग रुको, अबे चढ़ जा, ये भाई क्या नमूना यार, इतनी क्या जल्दी इसको आकर के सीधा ठोक ही दिया। फिलहाल मौसम भी बिगड़ रहा है तो मुझे जो भी करना जल्दी करना पड़ेगा भाई। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको ना ट्रेन के थ्रू लेकर जाएंगे ना गाइज। तो गाइज यार हमारे पास ना सिर्फ एक ही रास्ता इसको नॉर्थ यांगडांग ले जाने के लिए, भाई ट्रेन का ही सहारा लेना पड़ेगा, और दो गाड़ियों को एक साथ भाई कैसे हम लोग लेकर के जाएंगे भाई। कार्गो प्लेन का जुगाड़ करना पड़ेगा, और कार्गो प्लेन को हम लोग लैंड कहाँ पे कराएंगे भाई नॉर्थ यांगडांग पे, यह भी एक प्रॉब्लम है। तो ट्रेन ही एक रास्ता है जहाँ पर भाई इजी होगा। चलो ठीक है भाई, अभी फटाफट से काम करते हैं, इसको हम लोग ना एक जगह पर लेकर के चलते हैं। तो चलो भाई ठीक है, अभी ना फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी को ना लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी लेस्टर को बोलेंगे यार कुछ ट्रेन व्रेन का जुगाड़ करवा, क्या करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा भाई वो ये मुझे बता देगा। चलो भाई सब ठीक है, फाइनली दोनों गाड़ियों को लेकर हम लोग एक जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर भाई काफ़ी सारी ट्रेन वगैरह आकर के रुकती है, एंड ज़्यादातर ना भाई गाड़ियों को इधर उधर करने में ये सारी ट्रेन यूज़ होती है। तो चलो भैया ठीक है, फाइनली यहाँ पर ना पहुँच तो चुके हैं गाइस, यही वही जगह, और गाइस ये वही जगह है जहाँ पर अपनी सारी गाड़ियों को लास्ट टाइम मैंने ट्रेन में से ला करके यहाँ पर रखा था एसयूवी को। तो हाँ इसको आराम से ना यहाँ पर हम लोग आगे तरफ लेकर के चलते हैं, और नहीं 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 ट्रेन भाई सब कुचल के चला जाएगा। चलो भैया ठीक है, अभी ना मुझे वेट करना पड़ेगा कब ट्रेन आएगा कब यहाँ पर रुकेगा। बाकी यहाँ पर वर्कर वगैरह है ना भाई, तो ये लोग दोनों गाड़ियों के ना ट्रेन के ऊपर लोड करने में अपनी हेल्प कर देंगे। फिलहाल हाँ
अभी मुझे यही देखना है कि जो ट्रेनर है भाई नॉर्थ यांगडंग कौन सा वाला जाएगा। तो हाँ वेट करते हैं गाइस, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ओके गाइस चलो ठीक है भाई, 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद और ट्रेन भी आ चुकी है और सारी चीज़ें लोड भी हो चुकी है। तो अभी देखो भाई सिर्फ अपनी गाड़ी नहीं जा रही नॉर्थ यांगडंग के लिए, बल्कि यहाँ पर ना और भी कुछ लोग हैं भाई जो कि ऐसी खतरनाक वाली मॉडिफाइड कार लेकर के जा रहे हैं। फिलहाल ये कौन बंदा भाई, दो दो गन लगी पड़ी है और ऐसी गाड़ी को लेकर भाई वहाँ पर जाएगा। फिलहाल कांटे वाटे भी तो मेरे को बच के रहना है वरना भाई चुभेगी बहुत खतरनाक। फिलहाल भाई पता नहीं यार, पुलिस अगर देख ली ना भाई तो इनके साथ साथ भाई अपनी अपनी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो भैया ठीक है फटाफट से काम करते हैं, अपनी दोनों गाड़ी मैंने यहाँ पर रख रखा है, ये देखो भाई एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो ठीक है अभी हम लोग ना फटाफट ट्रेन के ऊपर जाकर बैठते हैं एंड हम लोग यहाँ से गाइज निकलते हैं नॉर्थ यांगडंग के लिए। फिलहाल काफ़ी टाइम लग जाएगा ट्रेन से जा रहे, तो हो सकता है भाई 3 से 4 घंटा या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अभी हम लोग फटाफट ना दोनों गाड़ियों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। ऊपर चढ़ जा भाई, चलो ठीक है ऊपर की तरफ मैं आ चुका हूँ। चलो गाइज ठीक है फाइनली ट्रेन ना यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुकी है और अभी ना गाइज अपनी सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सेफ है। तो हाँ मैंने काम करता भाई, अभी ट्रेन ना ज़्यादा स्पीड में है नहीं तो मैं यहाँ पर ना आराम से एक आध ना जंप तो लगा ही सकता भाई पूरा खतरनाक। बाकी जाकर देखते अपने गाड़ी भाई साहब ये चलती ट्रेन में हरकतें की वजह से ना मैं भाई साहब पक्का मरूंगा आज, लेकिन नहीं नहीं अपने को मरना नहीं है। चलो ठीक अपने सारी गाड़ियाँ सेफ है भाई, बस ना किसी तरीके से ना भाई जाना से भी स्क्रैच ना आ जाए क्योंकि स्क्रैच आने पर ना भाई हो सकता है अपने नुकसान हो जाए। चलो भैया ठीक है अभी ना ज़्यादा हरकतें नहीं करनी है, जाकर आराम से हम लोग ना आराम से पकड़ वकड़ के बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस यार चलो ठीक है भाई अभी ना ट्रेन में आराम से बैठ कर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी सारी गाड़ियाँ और जितने भी लोग हैं ना भाई उनकी भी सारी गाड़ियाँ ओ भाई साहब यहाँ पर टनल आ रहा है। अबे रुको रुको मैं ना आराम से थोड़ा चिपक जाता हूँ यहाँ पर वरना भाई टनल वन के थ्रू ना मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। चलो भैया ठीक है जाने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा कि अभी ना ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चला रहा है बंदा, कोई ना चलते गए देखते हैं हम लोग कितने टाइम में और कितने घंटे में या तो कितने दिन में हम लोग पहुँचते हैं नॉर्थ यांगडंग के लिए। कुछ भी करके ना मेरे को वहाँ से इंडियन कार तो भाई इस बार लानी ही लानी है भाई, क्योंकि आप लोग भी बोल रहे थे कि यार महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो ऐसी चीज़ें लाओ ना भाई। तो हाँ भाई आज ना हम लोग किसी तरीके से जुगाड़ करेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमें ये सारी गाड़ियाँ मिलेगी एंड वहीं पर जाकर हम लोग तगड़ी तगड़ी इंडियन कार आज उठा कर लाने वाले हैं। ऑल राइट गाइस तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई, पूरे ना 12 से 15 घंटे लग गए मुझे नॉर्थ यांगडंग पहुँचने में ट्रेन के जरिए। और अभी ना भाई सुबह का लगभग बज रहा है 9, मतलब रात हो गया क्या दिन हो चुका है और अभी ना भाई मैं फाइनली नॉर्थ यांगडंग पहुँच चुका हूँ। बाकी गाइस यार बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं और अभी ना गाइस सबसे मस्त चीज़ मेरे को यहाँ पर ये देखी ना भाई, यहाँ पर एक इंडियन कार महिंद्रा थार किसी ने इम्पोर्ट किया है भाई। अब पता नहीं गाइस कौन है वो बंदा, लेकिन यार मुझे ना बस उससे ये पूछना था कि यह कार उसको कहाँ से मिली और कितने की पड़ी। भाई कसम से ना मन तो कर रहे इसको अभी के अभी चुरा कर भग जाओ गाइज, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि लॉक है और इसकी चाबी वगैरह भाई किसके पास हो ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी ना भाई इसको हो सकता है जो ऑनर होगा उससे उसके तक पहुँचाया जाएगा। बट कुछ भी हो गाइज महिंद्रा थार भाई क्या लग रही है कसम से भाई, भाई 4x4 है भाई बहुत सही यार। लेकिन देखो यार मुझे ना पता करना पड़ेगा कि आखिरकार ये लोग ला कहाँ से रहे, पूरे लॉस सेंटोस में नहीं मिल रहा है और पता नहीं हो सकता है लिबर्टी सिटी से या फिर मुझे लगता है भाई वहाँ पर भी मिलेगी। लास्ट टाइम मैं गया था वहाँ पर कोई भी ऐसी इंडियन कार था नहीं। चलो ठीक है ये सब छोड़ो भाई, थार तो मेरी फेवरेट है बट गाइज लॉक है तो भाई क्या ही चला कर एक बार टेस्ट ड्राइव ले। चलो कोई ना अभी ना जो गाड़ी वाड़ी थी अपनी वो भाई यहाँ पर मैंने लोड करवा दिया, यहाँ पर जो अपना बंदा यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलो ठीक है इसको भाई मैं $100-200 दे दूंगा जो भी इसका कॉस्ट पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग ट्रक को और गाड़ियों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई सब ठीक है, ये बंदा भी हमारे साथ जाने वाला है क्योंकि इसका जो ट्रक है ना भाई ये वहाँ से लेकर निकल जाएगा। एंड हाँ कॉल करके मैंने भाई इसको पहले रेंट वेंट कर लिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भैया ठीक है जो भी सामान जिसका भी यहाँ पर आया ना सबके सब अपने यहाँ पर उतार रहे लोड कर रहे, मैंने पहले ही कर लिया था। बाकी अभी ना भाई मुझे थोड़ा सा संभल संभल कर इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि भाई इतना बड़ा ट्रेलर है इतनी भारी कार है तो हाँ भाई मुझे थोड़ा संभल कर तो चलाना ही पड़ेगा। बाकी हाँ अभी ना फटाफट से बहने से पहले कॉन्टेक्ट लेते हैं और किसको डिलीवर करनी ये सब कुछ जानकारी लेते हैं। चलो गाइस ठीक है अभी ना भाई कॉल पर ना उस बंदे से भी बात हो गई है भाई, रुको ब्रिज व्रिज टूट ना जा भाई। चलो भैया ठीक है सब कुछ सही है, बाकी जो उस जो बंदा है ना भाई वो हमारा इंतजार ही कर रहा है सारी गाड़ी को। भाई ब्रेक नहीं लगी यार कसम से ना, बर्फ के कारण कुछ ज़्यादा स्लिप हुई थी। चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से हमें इस साइड की तरफ निकलना पड़ेगा एंड अभी बगल में वहाँ पर आप घर देख रहे हो ना भाई वही है। बाकी मैं आई थिंक ना गलत रास्ते पे आ गया भाई, यहाँ पर तो ट्रेन की पटरी, अगर ट्रेन आ रही होगी ना भाई तो बहुत बुरा वाला कांड हो जाएगा। बट हाँ अभी ट्रेन आ नहीं रही, रुकी पड़ी वहीं पर, तो भाई हम लोग यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। बाकी चलो भैया ठीक है फाइनली हम लोग ना सभी गाड़ियों को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड हाँ जल्दी से हम लोग कट लेकर के आगे चल लेते वरना भाई ट्रेन आ करके कुचल जाएगी भाई, फिर पैसे नहीं आएंगे अपने हाथ में। चलो भैया ठीक है यहाँ पर सिक्योरिटी भी है और यही वो जगह है जहाँ पर भाई हमें ना गाड़ियों को लेकर आनी थी।
चलो ठीक है। बाकी अब इन गाइस फटाफट से बंदे को बोलते हैं और सिक्योरिटी वाले को बोलते हैं गाड़ी तुम लोग उतार लो, कि देखो भाई इतनी मेहनत मैं करने नहीं वाला। चलो गाइस ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले मिल करके गाड़ी को बाहर निकाल लेंगे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सीधा पेमेंट वगैरह लेने के लिए। और भाई इसका जो घर है ना भाई, देख रहे हो मतलब बर्फ की जगह पे भाई ऐसी छोटा मोटा ही घर होता है भाई, कौन सा बड़ा मेंशन बना के रहेगा बंदा। बाकी गाइज यहाँ पर देखो यार क्या ही सही चीज़ है यार, यहाँ पे रहने का ना अलग ही ज़्यादा फील होगा। बाकी यहाँ पर गाड़ी भी उसके पास में तगड़ी तगड़ी है, मतलब यहाँ पर तो मर्सिडीज की जी वैगन देखो पहले, क्या ही मस्त लग रही है, प्यारी लुक आ रही है। और वेट गाइज ये मेरे को जाना पहचाना से गाड़ी क्यों लग रहा है भाई, ये तो थार है भाई। एक सेकेंड सामने देखता हूँ, हाँ ये तो भाई महिंद्रा की थार ही है। और भाई साहब रेड कलर में, भाई ब्लैक कलर भी देख लिया, रेड कलर भी देख लिया यार। यहाँ पर ना बर्फीले जगह पर ना भाई ये लोग कुछ ज़्यादा थार का ना पूरा 4x4 का मजा लेते हैं। हाँ यार यही बात होगा, फिलहाल इसको बोलते हैं यार अपने बॉस को बुलाओ। वैसे गैस यहाँ पर आया हूँ तो भाई मैं ना ये वाली गाड़ी को एक बार चला कर ना भाई टेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे एक सेकेंड, जो बॉस है इनका ना वो वहाँ से निकल करके आ रहा है। वैसे गैस यहाँ से ना सारी गाड़ियाँ मैंने चला रखी है, जैसे ये वाली गाड़ी देखो ये मैंने चला रखी है, बट ये जो गाड़ी ना भाई महिंद्रा थार ये मैंने कभी भाई GTA में चलाया नहीं है। फिलहाल भाई इससे ना पहले हम लोग परमिशन लेंगे चलाने का, अगर दे देगा परमिशन तो ही चलाएंगे, वरना हम लोग पैसे लेके यहाँ से चुपचाप निकलेंगे। लेकिन हाँ एक और काम करने से हम लोग ना इसी तरीके से मतलब ना जिससे भी ये गाड़ी खरीदे ना उसका भाई नाम पता जरूर लेंगे। ओके गाइस चलो ठीक है, ओके चलो गाइस ठीक है। अभी ना ये सारे पैसे वैसे ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा है अपने किसी बंदे को या फिर मैनेजर वगैरह को बोल करके। चलो भैया ठीक है, $25 मिलियन अपने हाथ में आने वाला है और वक्त आ चुका है भाई अपने फेवरेट कार को चलाने का, थार को। लेट्स कभी ना भाई 4x4 का मजा लेते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर बर्फीली जगह पे ना चलाने का एक अलग ही लेवल का मजा आएगा, स्पीड वगैरह भी देख लेंगे। और हाँ भाई इससे भी मैंने पूछा कि यार देखो मेरे को भी इंडियन कार लेनी है, तुमने कहाँ से खरीदा ना ये बस मेरे को लोकेशन वगैरह बता दो, कहीं से भी जो भी देता है उसको कॉन्टेक्ट दे दो तो हाँ बंदा भाई मेरे को दे ही देगा। पहले एक काम करते हैं यहाँ पर ना रोड साइड चलते हैं, इसकी स्पीड एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं भाई। वैसे स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, बट भाई बच गया अभी ना भाई, बॉस को ही मैंने टक्कर मार देना था। रुको 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 रुको, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ भी ना इनके उतर चुके हैं नीचे और ये बंदा किससे फ़ोन पर बात कर रहा है। लेट्स गो, अब ना भाई मज़ा आने वाला है। फिलहाल देखो स्पीड, ओ भाई साहब क्या खतरनाक स्पीड है और एकदम ना भाई खतरनाक तरीके से भाग रहा है। फिलहाल ना गाइस भाई देख रहे हो यार क्या ही मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो फिलहाल 150 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे, क्योंकि देखो अभी ना भाई यहाँ पर जगह इतनी खास नहीं इसको 200-300 भगाने के लिए, लेकिन हाँ हो सकता है इससे ज़्यादा भगती ना हो, अब पता नहीं यार। लेट्स गो गाइस अभी वापस चलते हैं और अभी हम लोग ना किसी तरीके से लोकेशन वगैरह लेते हैं, क्योंकि देखो मेरे को अब तो गाड़ी खरीदनी भाई इंडियन कार, लेकर ही जाऊंगा चाहे जैसे भी हो। चलो भैया ठीक है, भाई क्या चमक है भाई गाड़ी की, सही में रेट करना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई इसको चला करके। और ब्लैक भी ना मेरे को ज़्यादा ब्लैक वाला सही लग रहा था यार, बट हाँ रेट भी कुछ कम नहीं है। फटाफट से काम करते हैं, चलते जाकर खड़ा करते हैं एंड हम लोग ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट उससे लेते हैं और उसके बाद हम लोग भी चलेंगे कार लेने के लिए। बाकी मुझे लगता है ना भाई इसने पैसे वैसे ट्रांसफ़र भी कर दिया है, ठीक है इसके गाड़ी हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। भाई थैंक यू सो मच टेस्ट ड्राइव के लिए देने के लिए। बाकी यार लुक तो देखो यार क्या है, मस्त है, एकदम खतरनाक लुक है भाई गाड़ी की। चलो भैया ठीक है फटाफट ना इससे बातचीत और कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस चलो ठीक है, फाइनली इस वक्त अब मेरे अकाउंट में इसने $25 मिलियन इन दोनों गाड़ियों को ना पैसे ट्रांसफर कर दिया जो कि मैंने इसको डिलीवर किया है। और उसके साथ साथ भाई इसने भी जो मेरे को कॉन्टेक्ट दिया है ना भाई, जिसके पास इंडियन कार लेकर आया है, और भाई वो बंदा कोई और नहीं भाई मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव ही है और वो अपना दोस्त है भाई। तो चलो भैया ठीक है, अभी ना भाई इसने लोकेशन दिया है और वही आइलैंड हम लोग जा रहे हैं। और अभी ना भाई इससे मैंने इसके हेलीकॉप्टर ले जाने की भी परमिशन मैंने ले ली है। तो चलो ठीक है गाइस अभी ना फटाफट से काम करते हैं, हम लोग जा रहे हैं भाई। जितने भी पैसे मेरे पास आए ना भाई सभी पैसों का हम लोग जा करके इंडियन कार SUV थार जैसे मतलब महंगे महंगे कार्स, मतलब महंगे तो नहीं होंगे उतने, लेकिन ना सारी गाड़ी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। बाकी इधर हेलीपैड है, बढ़िया से हेलीकॉप्टर है भाई, ज़मीनों में देख रहे हो कैसे भाई आधी अपनी बॉडी तो भाई ज़मीन में गुजरी है मतलब बर्फ़ के अंदर। चलो भाई यहाँ पर रहना एक तरीके से मुश्किल है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और भाई मैं कुछ पहन भी नहीं रखा, तो मुझे जल्दी से ना जा करके हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ लेना चाहिए यार। रुको जंप वम्प करते भाई, इतनी मुश्किल हो रही थी चलना ना यार, यार क्या ही बोलो। फिलहाल हाँ यहाँ के लोगों को ही मज़ा आता है भाई यहाँ पर रहने पे, तो हाँ नज़ारा तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल होता है, बट हाँ रहने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती होगी। चलो भैया ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के पास ही जो कि भाई अपने को ना इंडियन कार देने वाला है, पता नहीं उसके पास होगा या फिर नहीं, मैं रास्ते में उससे बातचीत करने वाला हूँ इस बारे में। और अभी हम लोग फटाफट से हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और हम लोगों ने फाइनली गाइस जो भी गाड़ी इनको देनी थी वो हम लोगों ने डिलीवर कर दी है और थार भी चला लिया है। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग भी अपने शोरूम के लिए ना ला कर के या फिर मतलब अपने लिए भी लाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने शोरूम के लिए बस लानी है,
तो चलो भैया ठीक है, फटाफट से भगाते हैं। और हम लोग भगाते भगाते चलते हम लोग उसी जगह पर और जाकर इंडियन कार लेके आते हैं। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है भाई, बहुत टाइम लग गया यहाँ पर आने में, लेकिन फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और भाई अभी ना अपने फ्रेंड से बातचीत कर लिया था मैंने, तो भाई उसने ना बंदे भेज रखे मुझे यहाँ पर लेने के लिए। बाकी यार सही तरीके से ना मैं बस एक बार हेलीकॉप्टर लैंड करा लो यार, वरना वैसे भी ये जगह ऐसे ना जहाँ पर बहुत तगड़ी रेस वेस होती रहती है। तो एक सेकंड आराम से ना यहाँ पर आराम से लैंड कराते हैं ताकि ना। तो चलो भाई सब ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया है, फटाफट से जाते हैं। और अभी साइंस से ना यही वो बंदा है जो कि एसयूवी में मेरे को लेने के लिए आ रखा है। और ये कौन सी एसयूवी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ फटाफट भाई चलते हैं यहाँ से। यार भाई मैं इसको नॉर्मल कार समझ रहा था, लेकिन भाई अभी ना ये कोई नॉर्मल कार नहीं है भाई, ये महिंद्रा का स्कॉर्पियो न्यू है, मतलब न्यू स्कॉर्पियो है भाई, देख रहे हो यार क्या ही सही है भाई। चलो भैया ठीक है, मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार ये एक है कौन सी कार जो कि भाई मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। बाकी यार देख रहे हो भाई आगे का लुक देखो, फिलहाल इसी को लेकर भाई उसने हमें लेने के लिए यहाँ पर भेज रखा है। तो फटाफट से गाइस गाड़ी को यहाँ पर भगाते हैं और जल्दी सब लोग चलते हैं भाई जाकर ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इंडियन कार्स यहाँ पर कौन कौन सी है देखने के लिए। फिलहाल बस मेरा भाई जो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बट एक सेकेंड यार, मुझे ये जगह जाना पहचाना से क्यों लग रहा है। यार भाई आपको याद होगा मैं यहाँ पर एक बार ना भाई कांड किया था भाई गाड़ी चुराने के चक्कर में, और भाई अगर ना ये लोग मेरे को पहचान गए तो दिक्कत हो सकता है। बट यार देखो मैंने यहाँ पर सारे बंदों को मार दिया था, और इसके साथ साथ और गाइस यहाँ पर सिक्योरिटी तो है, बट भाई हो सकता है सिक्योरिटी चेंज कर लिया होगा भाई इस बंदे ने। और भाई देख रहे हो यहाँ पर भाई काफ़ी सारे लोग हैं भाई, सारी गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया है भाई, लेकिन जो हमें चाहिए ना भाई वो है इंडियन कार। तो भाई हमें बस ये देखना है कि हमें इंडियन कार भाई हमारे हिसाब से मिलता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर भाई बंदे काफ़ी सारा है और मुझे अब डर लग रहा है भाई, क्योंकि देखो मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था ना भाई चुराने के लिए तो मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। फिलहाल रुको, अभी अपना जो फ्रेंड है ना वो कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उससे एक बार हम लोग बातचीत करते हैं। बाकी ये बंदा बोल रहा है फटाफट से काम करो, गाड़ी को ना यहीं पर खड़ा कर दो, और तुम्हें जॉन जॉन से भी गाड़ी चाहिए ना फटाफट से तुम सेलेक्ट कर लो और अपने बॉस से हमारे बात कर लो। चलो भैया ठीक है, एक तो भाई स्कॉर्पियो यानी यहाँ पर देख रही यार क्या बढ़िया लग रही है भाई, तो ये गाड़ी तो मेरे तरफ से भाई फिक्स है भाई, इसको तो मैं लेकर ही जाऊँगा चाहे जो हो जाए। ओके गाइस चलो ठीक है, फोन पर भाई मैंने अभी बातचीत कर लिया है। तो अभी ना भाई वो मेरे को बोल रहे हैं अपना जो फ्रेंड है ना भाई वो यहाँ का मालिक है भाई, मतलब इस वाली जगह का। हाँ तो भाई अभी ना वो यहाँ पर आता होगा भाई, काफ़ी टाइम बाद मैं अपने लिबर्टी सिटी वाले पुराने दोस्त से मिलने वाला हूँ। बाकी देख रहे हो भाई रेंज रोवर लेकर के चलता है बंदा, बहुत सही भाई पूरा ब्लैक टिंटेड है। ठीक है भाई फटाफट ना इससे जाकर मिलते हैं पहले। चलो गाइस यार इस वक्त का बंदे ने मेरे को इतने टाइम बाद देखने के बाद ना भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। और अभी ना भाई अच्छी बात है ना भाई, इसको कुछ नहीं पता है कि मैंने एक बार यहाँ पर आ करके इसके इस वाले गिराज से ना मतलब यहाँ पर से ना गाड़ी चुराई थी और बंदों को भी मारा था। फिलहाल देखो अभी ना भाई इसको शक भी नहीं जाने चाहिए, फटाफट सब लोग मिलते हैं और गाड़ी सेलेक्ट करते हैं। चलो गाइस इस वक्त तक ये बोल रहा है तुम्हें जॉन जॉन से भी गाड़ी चाहिए ना तुम सेलेक्ट कर लो। बाकी गाइस अभी ना इसने जो मेरे को बोला ना भाई उससे मेरे को डर जा रहा है भाई, तो इसने मेरे को ये बोला ना कि यार कुछ महीनों पहले ना एक लॉस सैंटोस का कोई बहुत बड़ा मतलब पावरफुल बंदा आ करके ना यहाँ से ना बहुत सारे बंदों को मारा और अपने एक बहुत रेयर कार चुरा करके ले गया। फिलहाल इसको पता तो नहीं है, लेकिन इसने भाई मेरे को बोला ना भाई कि ऐसा कोई बंदा हो जो तुम जानते हो क्योंकि भाई लॉस सैंटोस में से हरकत करके भाई वो मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट कार लेकर गया हो तो तुम बताओ। मैंने बोला भाई साहब मुझे नहीं पता यार। तो चलो गाइस ठीक है, ना भाई उसने मेरे को बोला है कि तुम्हें जॉन जॉन से भी इंडियन कार चाहिए ना वो सेलेक्ट कर लो। बाकी इसके पास ना मतलब दो चार ही मॉडल है, बाकी सारे बिक चुके हैं। तो एक है भाई महिंद्रा थार और दूसरी स्कॉर्पियो और एक और है जो कि इंडियन कार तो नहीं है लेकिन हाँ टोयोटा फॉर्च्यूनर जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है तो वो वाली कार भी है। तो हाँ भाई जाकर देखते हैं, बाकी स्कॉर्पियो है वहाँ पर देख करना मेरे तो भाई मतलब दिल आ गया भाई, अब तो मैं उसको लेकर जाऊँगा। फिलहाल यहाँ पर ना एक गाड़ी है जो कि है ये महिंद्रा थार, भाई सब देख रहे हो भाई क्या गाड़ी है भाई ये ब्लैक कलर में। फिलहाल टेस्ट ड्राइव भी चाहो तो मैं ले सकता हूँ और जो भी कार मेरे को चाहिए ना मैं इनको बोल सकता हूँ और ये आराम से मेरे को लॉस सैंटोस तक पहुंचा देंगे। तो चलो भैया ठीक है, यहाँ पर तो भाई फालतू से कोई गाड़ी है जो कि ऑफ रोडिंग व्हीकल है। वैसे गाइस ये बंदा ना हर एक ब्रांड की कार रखता है भाई, यहाँ पर देखो ऊपर ना लोगो वगैरह लगा पड़ा है तो इन सभी ब्रांड के ना ये बंदा कार रखता है भाई अलग अलग टाइप का। बाकी गाइस एक सेकेंड, जिसका मेरे को इंतजार था ना देखने का वो आ चुका है। ये है भाई स्कॉर्पियो जो कि है ये तो वाइट कलर है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही है भाई, देख रहे हो लुक काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड यहाँ पर एक और गाड़ी है और ये कौन सी है मुझे नहीं पता, बट मुझे जानी पहचाने से लग रही है। अरे भाई सब ये तो टोयोटा का फॉर्च्यूनर लेजेंडर है। तो भाई सब ये फॉर्च्यूनर देख रहे हो क्या ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है भाई,
यार इसको तो भाई 100% लेकर जाएंगे। और भाई ये गाड़ी ना सच्ची में महंगी तो होगी भाई, हालांकि इंडिया में तो काफ़ी सस्ती मिलती है, लेकिन भाई देखो मतलब इंडिया में भी सस्ती नहीं मिलती यार, बहुत ज़्यादा प्राइस है। बट देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, इंपोर्ट करने का सारा कुछ खर्चा वर्चा मिला करके कितने का आएगा ये मुझे नहीं पता है। बट वेट वेट वेट, ओ भाई ब्लैक स्कॉर्पियो एन, हो भाई यार क्या लग रही है ब्लैक में भाई, क्या चमक है भाई इसकी तो, सही में यार देख रहे हो एकदम कतई नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है भाई इसको देख कर ही। तो हाँ ये भी एक गाड़ी है। तो भैया देखो अभी ना यहाँ पर दो चार मॉडल ही है, जो कि एक ने इसने बताया थार है, एक स्कॉर्पियो है, जो कि एक ना बहुत इंडिया में चलती है फॉर्च्यूनर, ये भी है। तो भाई देखो अभी ना मुझे इन्हीं तीनों में से कोई गाड़ी सिलेक्ट करना पड़ेगा, हालांकि एक ने हम लोग ना यहाँ पर काफ़ी सारे लेकर के जाने वाले हैं, तो बाकी जो गाड़ी ना भाई इनके वेयर हाउस पर है। वैसे वो सब छोड़ो भी ना, फटाफट से कैसे काम करते हैं, जाकर ना सबसे पहले इस वाले कार को ना मैं चला कर देखने वाला हूँ, फॉर्चुनर का भी चलाने भाई, लेट्स गो। अभी ना फटाफट इसको खोलते हैं, बैठते हैं। और भाई देखो अभी ना मैंने थार चला लिया, स्कॉर्पियो एन भी चला लिया है, तो फॉर्चुनर भी थोड़ी सी ना टेस्ट ड्राइव लेनी बनती है। और अभी ना भाई देख रहे हो यार क्या ही खतरनाक लग रही है भाई ये वाली गाड़ी भी। फिलहाल चलो ठीक है थोड़ा सा ना स्पीड भगा कर देखते हैं, वैसे अभी चला कर ना भाई कोई फायदा नहीं है भाई, इसको हम लोग सीधा ना लॉस सैंटोस ले जाकर भगाएंगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से जिनके ना एक बार वेयर हाउस में भी जाकर देख लेते हैं कि कैसी कैसी गाड़ी है, कौन कौन सी गाड़ी है। चलो ठीक है गाड़ी को हम लोग ना यहीं पर खड़ा कर देते हैं और चलते हैं हम लोग सीधा वेयर हाउस के अंदर। ओके भाई चलो ठीक है, फाइनली मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। बाकी ये जो वेयर हाउस है ना भाई अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग इतनी बेकार तरीके से लग रही है। बट कोई ना, हमें तो भाई कार देखने से मतलब है। तो चलो भैया ठीक है फटाफट से अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक सेकेंड भाई, सामने रखी हुई कुछ भाई, यहाँ पर तो सारे इंडियन कार ही भाई। ओके तो हाँ अभी ने जो अपना फ्रेंड था ना भाई, उससे मैंने पूछा था, तो भाई उसने बोला नहीं कि काफ़ी सारा था लेकिन बहुत ज़्यादा बिक चुकी है। तो चलो भैया ठीक है अभी ना हम लोग देखते हैं यहाँ पर भाई अपने लायक कौन कौन से हम लोग ले जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक स्कॉर्पियो और एक महिंद्रा थार है, तो भैया ये सही है। चलो ठीक है बाकी आगे तरफ ना और भी कुछ चीज़ें हैं। बाकी भाई देख रहे हो ये जो वेयर हाउस है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनवा रहे हैं बंदा, बट अभी पूरा तरीके से कम्प्लीट हुआ नहीं है। हाँ फिर हमें क्या है, हमें तो भाई यहाँ से गाड़ी लेकर निकलनी है। फिलहाल गाइस यहाँ पर देखो दो और गाड़ियाँ है, एक है महिंद्रा स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का और एक महिंद्रा थार है ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और फॉर्च्यूनर का भी तीन गाड़ियाँ है यहाँ पर, हालांकि भाई फॉर्च्यूनर भी ना काफ़ी महंगी कार है और अपने इंडिया में चलती है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको अपना पर्सनल रखने के लिए लूँ, इसको भाई सेल ना करूँ। तो भाई एक ना ये वाली गाड़ी हम लोग को ले लेनी चाहिए। फिलहाल गाइस आप लोग ना कमेंट करके बताना यार कि मुझे ना फॉर्च्यूनर रखनी चाहिए अपने पर्सनल व्हीकल में या फिर थार या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो हाँ भाई आप लोग ने एक बार जा करके कमेंट में लिख दो कि यार मुझे इन तीनों में से ना कौन सी कार अपना पर्सनल कार बनानी चाहिए एक इंडियन कार में से। और ये जो टोयोटा है ना भाई ये चलती अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा है और भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और महंगी कार है। तो भाई आप लोग ना कमेंट करके बताओ कि मुझे ना कौन सी कार रखनी चाहिए। ऑल राइट गाइस चलो ठीक है, बैने से मैंने बातचीत कर दिया, तो अभी भाई बैने ने मेरे को बोला कि एक अपने यूज़ के लिए ना फॉर्च्यूनर ले लो और महिंद्रा थार दो ले लो और स्कॉर्पियो है ना भाई वो तीन ले लो, मतलब टोटल हम लोगों ने भाई छः कार सेलेक्ट करी है। और अगर भाई इंडियन कार ना लॉस सैंटोस में अच्छी खास से बिकती है महंगी प्राइस में ना, तो हम लोग और ज़्यादा लेकर जाएंगे। फिलहाल ना भाई देखो अभी ना फटाफट मुझे ना अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहिए और भाई उससे ना इन छः कार का ना प्राइस वगैरह हम लोग उससे पूछते हैं क्या क्या पड़ेगा और कितना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है बातचीत हो चुकी है, तो अभी भाई यहाँ पर मैंने छः कार सेलेक्ट किया है और इनका जो प्राइस मेरे को पड़ा है ना भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ना $2.5 लाख, मतलब जो कि होता है अराउंड अराउंड 2 करोड़ के आसपास। अब भाई देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स और ऊपर से इंपोर्ट करने के इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लगा होगा उसका खर्चा, तो भाई अभी ना मेरे को ये 2 करोड़ के आसपास में ना मतलब अराउंड अराउंड $2.5 लाख के आसपास में ना भाई ये 6 कार मेरे को देने के लिए रेडी हो रखा है, मतलब 3 स्कॉर्पियो 1 फॉर्च्यूनर 2 महिंद्रा का थार। तो भाई देखो बहुत सही है। और भाई अभी ना इनको लॉस एंजेलिस ले जाकर भाई हम लोग कितने ज़्यादा महंगे में बेचेंगे वो तो एक अलग सी बात है। चलो ठीक है भैया फटाफट से ना हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं एंड हम लोग इन सभी गाड़ियों को लेकर चलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। ऑल राइट गाइस तो चलो भैया ठीक है, फाइनली मैंने भाई यहाँ पर इंडियन कार परचेज कर लिया है। भाई इंटीरियर आपको दिखाना है, भूल गया भाई इंटीरियर तो भाई और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल भाई इंटीरियर देखो यार पूरा ना एकदम खतरनाक लेवल का है, पीछे भी देखो सीट वगैरह एकदम परफेक्ट है, ऊपर सनरूफ वगैरह हर एक चीज़ है और पूरा कंट्रोलिंग ना भाई काफ़ी ज़्यादा सही है भाई यहाँ पर इंटीरियर, तो भाई एक नंबर है। फिलहाल आप लोगों ने गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको ये सही लगी या फिर नहीं। फिलहाल रुको मैंने काम करता हूँ, यहाँ से ना भाई कितनी कार है, 3 स्कॉर्पियो 1 महिंद्रा थार है, तो फटाफट ना इसको ले जाकर हम लोग वहाँ पर रख देते हैं। और बाकी जो वहाँ पे ना एक ब्लैक स्कॉर्पियो, ओके एक ब्लैक स्कॉर्पियो, बाकी बाकी दो जो गाड़ी है ना भाई वो वाइट है, तो सही है भाई
फटाफट थार को यहाँ पर लाकर रखते हैं एंड इन सभी को गाइस हम लोग ना किसी तरीके से लॉस एंटोस भाई भी जाना इनका काम है। फिलहाल गाइस इसका तो मैंने इंटीरियर देख लिया है, लेकिन एक और गाड़ी जिसके मैंने इंटीरियर देखा नहीं है और वह है भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर। फटाफट अंदर हम लोग बैठते हैं और एक बार ना गाइस इसकी भी हम लोग इंटीरियर देखते हैं भाई, पहले स्टार्ट तो कर लूँ। और राइट स्टार्ट हो चुकी है और भाई साहब अंदर देखो यार क्या गजब की सीन है भाई। यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह हर एक चीज़ लगी पड़ी है, पीछे का सीट वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सनरूफ वगैरह इस पर तो नहीं है बट हाँ जो भी है ना भाई गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल इसको चलाने में तो भाई रोड पे जब हम लोग निकलेंगे लॉस सैंटोस में ना भाई लोग देख कर ना भाई पागल हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है। फिलहाल चलो ये सब कुछ सही है, बाकी ना फटाफट यहाँ पर एक बार ना थार का भी इंटीरियर देख लेते हैं क्योंकि इंटीरियर देखना ज़रूरी है भाई कैसा है। बाकी एक सेकेंड भाई थार तो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बाकी देखो यार इसका भी एकदम बढ़िया है एंड लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो चलो भैया ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 कार परचेज कर लिया है और अभी ना भाई इनको लेकर जाना ही एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है लॉस सैंटोस तक। फिलहाल ट्रेन व्रेन के जरिए हम लोग इसको लेकर के जाएंगे और अपना जो दोस्त है ना भाई वो तो भाई सारा कुछ सेट करवा देगा, तो हमें भाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो गाइस फाइनली मैंने टोटल 6 इंडियन कार परचेज कर लिया है, तो आप लोग ना कमेंट करके बताओ कि मुझे और कौन कौन सी कार करनी चाहिए क्योंकि देखो यार अभी ना इसके पास है नहीं, और भी ज़्यादा मैं मंगा सकता हूँ इसको बोल करके लेकिन अभी ना इसके पास है नहीं। लेकिन गाइस इसके पास ना जैसी और कार आएगा ना भाई हम लोग और कार भी खरीदने वाले हैं। तो चलो गाइस करते इस वाले वीडियो का एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो जा करके लाइक करो, पूरे भाई 10,000 का ही लाइक टारगेट रखते हैं भाई इस बार, तो जाओ यार फटाफट से लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो यार। जितनी जल्दी आप लोग लाइक गोल कंप्लीट करोगे ना उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड भी आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा, तो फटाफट जाकर गाइस लाइक टारगेट कंप्लीट करो। मुझे इंस्टाग्राम भी जाकर फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो करो यार, आपसे बातें बातें करता हूं और जीटी वीडियो कब आएगा ना जिस तक भी आपको बताते रहता हूं। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।